अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लैब रिव्यूज। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो मैक्सटिफ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम के बारे में है, जो कि जेन फार्म्स की तरफ से है। और सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि काफ़ी लोगों को ये गलत फहमी होती है कि मैक्सटिफ स्किन ब्राइटनिंग क्रीम, स्किन ब्राइटनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये आपको फेयर कर देगी, आपका कलर फेयर कर देगी, ये आपको गोरा चिट्टा बना देगी। स्किन ब्राइटनिंग का मतलब एक्चुअली ये है इसमें कि आपकी जो नेचुरल स्किन टोन है, अगर वो सनलाइट की वजह से, मतलब कि आपको अगर सनबर्न हो गया उसकी वजह से, या वैसी हाइपर पिगमेंटेशन जिस तरह ब्लैक एरियाज होते हैं आपके लिप के अराउंड, ज़्यादातर नॉर्मल लोगों के होते हैं, तो उसको ट्रीट करके ये आपकी जो ओवरऑल स्किन टोन है उसको इवन करेगी और आपका नेचुरल स्किन टोन फिर से लेकर आएगी। लेकिन कुछ लोग इसको इस वजह से ले लेते हैं कि ये आपको भाई गोरा चिट्टा बना देगी तो हम लोगों ने ये क्रीम अप्लाई करनी है। अगर आप इस नियत से ये ले रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत ले रहे हैं, तो इसलिए ये मत लीजिएगा। तो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें इंग्रीडियंट्स क्या हैं। इस हायलूरोनिक एसिड है, उसके अलावा विटामिन सी है, उसके अलावा इसके अंदर कोजिक एसिड है जो कि बहुत इफेक्टिव है आपके ये स्कार्स वगैरह कम करने के लिए। ठीक हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इसकी प्राइस क्या है। सो ये मैंने अभी बिल्कुल रिसेंटली बाय की है, क्योंकि मैं इस तरह की पहले एक के दो बॉटल खत्म कर चुकी हूँ, तो ये मेरी सबसे रिसेंट वाली है। और इसकी प्राइस आप देख सकते हो यहाँ पर लिखी हुई 1298 रुपीस की ये आपको मिलेगी मार्केट में, या आप ऑनलाइन देख लो, वो अलग बात है। अगर ऑनलाइन सेल लगी होगी तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, बट ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से ये आराम से इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। पहले मैं आपको इसकी क्रीम निकाल कर दिखा देती हूँ। ओके, सो ये मैंने अंदर से ट्यूब निकाली है और ये कुछ इस तरह दिख रही है। मैंने कहा मैं आपको ओवरऑल दिखा दूँ, इस तरह से कुछ दिख रही है और ये इसके ऊपर इस तरह का कवर है। अच्छा जी, अब आपने इसको अप्लाई इस तरह करना है कि आपने बिल्कुल फेस वॉश करके इसको फौरन नहीं अप्लाई करना कि आपका फेस फुल ड्राई है और आप उसके ऊपर ये अप्लाई कर रहे हो। अगर आपका फेस फुल ड्राई नहीं है फिर तो आप ये अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका फेस, कुछ लोग ये होते हैं कि वो सोप से या फेस वॉश से मुंह धोते हैं तो बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, तो तब नहीं आपने ये अप्लाई करना। तब आप 5 to 10 मिनट्स वेट करो कि आपकी जो स्किन है वो नेचुरली अपना ऑयल थोड़ा सा प्रोड्यूस कर दे, तब आप ये अप्लाई कर लो। या आप फेस पे हल्का सा कुछ जिस तरह आप रोज वाटर, गुलाबी अर्क का स्प्रे करके फिर आप ये यूज कर लो, या फेस वॉश करके उसको पूरी तरह आप ना ड्राई करो, हल्का हल्का नमी नमी गीला गीला रहने दो, और या तो आपको फिर अप्लाई कर लो। ठीक है, फिर ये क्रीम ज्यादा इफेक्टिव होती है। और आप लोगों ने ये क्रीम लेनी कितनी है, बिल्कुल पी साइज, एक मटर के दाने जितनी आपने ये क्रीम यूज करनी है, बहुत ज्यादा नहीं यूज करनी, मतलब कि आपके पूरे फेस और नेक एरिया के लिए एक मटर के दाने जितनी क्रीम मोर देन इनफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे ज्यादा नहीं लगी तो यहाँ पे मल लूं अच्छी तरह, नो, आपने बिल्कुल इसको इवनली अपने स्प्रेड कर लेना है, और उसके बाद आप इसको अपने बाकी हाथों पे और कान के एरिया के पास भी अच्छी तरह लगा लें ताकि इवन हो जाए ओवरऑल ना। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा एक बात आपको और बता देती हूँ, जिस तरह के मैं ये क्रीम यूज कर रही हूँ और ये इसका कलर हो गया है हल्का सा ना रोज पिंक सा कलर हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ क्रीम किस तरह की लगती है। कुछ इस तरह की ये क्रीम है, आप लोग देख सकते हो, और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये बिल्कुल प्योर व्हाइट नहीं है, ये थोड़ी सी ऑफ व्हाइट और रोज पिंक सा कलर इसका लाइट सा हो गया है। वो इस वजह से कि इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी वजह से पड़े पड़े इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी क्रीम खराब हो गई है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ये फील करते हैं कि अगर क्रीम ज्यादा देर पड़ी रही है तो कलर चेंज कर लिया इसका मतलब खराब हो गई है, बट नहीं, इसके अंदर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी वजह से इसका कलर चेंज होगा, वो उन्होंने पहले ही बताया हुआ है आपको। ठीक है, और उसके अलावा मैं आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मैंने पहले एक इसकी जो ट्यूब है वो यूज की है और मैंने उसके बाद गैप लिया कोई काफी मंथ्स का, और मैं फिर से ये यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब आपको लगता है आपकी स्किन थोड़ी सी अनइवन हुई आप तब अप्लाई करो, आप लगातार मत अप्लाई करो, ऐसे स्किन पे एक्स्ट्रा चीजें लगानी भी नहीं चाहिए। तो अगर आपको लग रहा है आपकी स्किन अनइवन है तब आप अप्लाई कर लो, जब आपको आपको ठीक लगने लग जाए फिर आप उसके बाद इससे उसको छोड़ दो। तो अगर आप इसको अगर आप लोग ट्राई 15 days लगाओ तो आपको फर्क फील होने लग जाएगा, मैक्सिमम 15 days, बट 1 week के बाद भी आपको फर्क फील होगा। मुझे 1 week के बाद ही फील होता था कि मेरे जो थोड़े थोड़े लाइट से एक्नी से स्कार्स हैं वो थोड़े थोड़े फेड भी हो रहे हैं, उसके अलावा जो लिप अराउंड एरिया है वो बहुत ज्यादा आपको इवन इवन लगने लग जाता है, बिल्कुल कम्प्लीटली नहीं बट बहुत फर्क आने लग जाता है, मतलब जो बिल्कुल ब्लैक सा लग रहा होता है वैसा नहीं लग रहा होता वो आपको।
ये फर्स्ट वीक के बाद तकरीबन आपको ये चीज़ें फील होंगी। फिर अगर आप 15 डेज और 1 मंथ लगाओगे तो आपकी स्किन ओवरऑल आपको ना बहुत ब्राइट सी लगेगी, मतलब आपको जो नेचुरल स्किन कलर है वो ओवरऑल फेस का वही होगा, ये नहीं कि कहीं से किसी रंग की है कहीं से किसी रंग की है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं पर ब्लैमिशेज हैं, कहीं से चटाक टाइप हो रहे हुए हैं, तो ये उसको भी ट्रीट करता है। और दूसरी बात, ये जो डॉक्टर ने रिकमेंड की थी, डर्मेटोलॉजिस्ट ने, तो आई गेस ये सेफ है क्योंकि उन्होंने रिकमेंड की थी खुद, वरना डॉक्टर्स अगर कोई डेंजरस चीज़ हो तो कभी रिकमेंड नहीं करते। और उसके अलावा लास्ट थिंग के मैंने इससे पहले अपनी एक वीडियो बनाई थी इवन टोन सी क्रीम के बारे में, जो वो भी स्किन ब्राइटनिंग क्रीम ही थी, तो उसकी वीडियो का मैं लिंक ऊपर आपके पास अभी शो हो जाएगा आपको, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख लो। और उसका ये था कि मुझे उससे ज़्यादा इफेक्टिव नेक्स्ट डे फील हुई है, मतलब कि वो भी मैंने अप्लाई किया उतने ही टाइम, बट मुझे लग रहा है उसकी निस्बत नेक्स्ट डे ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप लोग वो भी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग खुद आइडिया ले सकते हो और अपनी मर्जी से ले सकते हो। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी फ़ायदेमंद लगी होगी और इसकी वजह से आप लोगों को ईजी रहेगा कि आपने कौन सी चीज़ बाय करनी है कौन सी नहीं। सो अगर वो वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।